नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं 10 का दम। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत करने वाले थे और 16 जुलाई से भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन होगा और इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम के अलावा इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री दिनेश खटीक और रामकेश निषाद भी शामिल होंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। और योगी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह में विस्तार संभव है। सूत्रों की माने तो इस कैबिनेट विस्तार में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, इन्हें जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्रियों में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम भी रेस में है और मार्ट से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी चर्चा में है। जानकारों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर, दारा सिंह, इन्हें जगह मिल सकती है और कुछ पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। तो हाल ही में जो एनडीए के साथ शामिल हुए हैं सहयोगी दल, उनकी जो शर्तें थी उन्हें भी पूरा करने पर कोशिश रहेगी। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं संकेत का। संकेत, पहले से ही चर्चाएं चल रही थी लेकिन अब माना जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्दी होगा उत्तर प्रदेश में, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी की ये कोशिश है कि उन सभी क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से, जाति समीकरण के लिहाज से जो नेता फिट बैठते हैं उनका समायोजन होना है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों एनडीए के गठबंधन में शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त में संभव माना जा रहा है और चर्चाएं तेज हैं ओम प्रकाश राजभर के नाम को लेकर, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरीके से दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, समाजवादी पार्टी की विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद दारा सिंह चौहान के नाम को लेकर भी चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जाना तय है। इसी तरीके से पश्चिम से राजेश चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। योगी वन में महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री रहे हैं, उनके भी नाम को लेकर चर्चा है। तो ऐसे में जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसी तरीके से जो दारा सिंह चौहान है जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि तमाम जो उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका समायोजन किया जाए जिससे कि उत्साह से चुनावी मैदान में उतरा जाए, और बीजेपी उसी तैयारियों में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह से मुलाकात की। तो गहमा गहमी तेज है और अगस्त के पहले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बिल्कुल, अगस्त के पहले सप्ताह में ये बात निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, कुछ नामों का जैसा कि आपने भी जिक्र किया संकेत और हम भी दर्शकों को बता रहे हैं, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर और कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम भी यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई नया नाम जो लिस्ट में शामिल हुआ हो, रेस में हम कहेंगे, जिसे भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कोई खबर आपके पास हो इसके अलावा? तो संकेत, लगता है संकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान कुछ ऐसे नाम हैं, माना जा रहा है कि इन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर आज बड़ा दिन है। एक मामले में आज कोर्ट का फैसला आएगा। सील एरिया को छोड़कर बाकी के पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक के जरिए सर्वे कराने संबंधी याचिका को लेकर आज फैसला आना है और इससे पहले सुनवाई पूरी हो गई थी। हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है यह। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रश्न है। निश्चित ही जो है यह मंदिर समर्थकों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए यह एक फैसला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। यह जो है अराजी नंबर 9130 बैरिकेटिंग के अंदर का जो फैसला जो है, यह जीपीआर के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार से यह साबित हो जाएगा कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। साली जो प्रमाण है हमारे, जो पुष्प है, कमल के चिन्ह है, त्रिशूल है, चक्र है, शंख है, चक्र दीवार है, और तो और जो 1669 में जो ध्वंस किए गए थे हमारे तीनों शिखर के ऊपर जो गुम्बद हैं, सब साबित हो जाएगा। आज का फैसला हम लोग का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि सत्य सामने आएगा। और देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। वहाँ की दीवारें, वहाँ का जितने इससे पहले जो सर्वे हुआ, टच भी करने का अधिकार नहीं था, टच भी हम लोग नहीं कर सकते। उसके बावजूद अनगिनत सबूत मिले, अनगिनत सबूत। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं मंदिर है, और मंदिर है, हम लोग जान रहे मंदिर है और मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष ये बार बार कह रहा है, लटका भटका रहा है, बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं होने दे रहा है? अगर ऐसी वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाती है तो अनगिनत सबूत सत्य सामने आएंगे, जो सत्य छुपे हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, परिसर के सर्वे को लेकर कहां कहां सर्वे होना है, इसे लेकर आज फैसला आ जाएगा। काफी बड़ा दिन है आज का ज्ञानवापी फैसले के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, एसआई सर्वे की मांग मंदिर पक्ष लगातार कर रहा था। दलीलें हुई, अब दोनों तरफ से बहस हुई, उसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित किया और आज फैसला सुनाया जाएगा। 2 बजे के बाद सभी को बुलाया गया है, दोनों पक्षों को। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया था, केंद्र सरकार के वकील भी इसमें पहुंचेंगे। तो सभी के सामने अदालत ये फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी में बैरिकेटिंग के अंदर सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी जगह का एसआई सर्वे होगा या नहीं। यहाँ से 2 बातें होती हैं। अगर अदालत ये आदेश देती है कि सर्वे होगा, तो फिर मस्जिद पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी का क्या अगला कदम होगा, और अगर एसआई सर्वे पर बात नहीं बन पाती है, अदालत इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तब फिर मंदिर पक्ष का क्या होगा। तो दोनों ही बातें महत्वपूर्ण होंगी। और आज का दिन जो है ज्ञानवापी में जो पीढ़ियों से लड़ाई चल रही है, सदियों से जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है, उसमें एक अहम दिन है आज, जिस पर फैसला आना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका उपेंद्र। आगे बढ़ते हैं, माफिया मुख्तार अंसारी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पूछताछ की है, 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। गुरुवार को बांदा जेल में करीब 6 घंटे पूछताछ की गई है। 23 बेनामी संपत्तियों के मामले को लेकर पूछताछ हुई है। करीब 125 करोड़ रुपए की बताई जा रही है संपत्ति, और सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है मुख्तार अंसारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार अंसारी के बयान दर्ज किए हैं, और हाल ही में गाजीपुर में 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किया है, और इसे मुख्तार का बताते हुए जब्त किया गया। तो मुख्तार अंसारी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, बांदा जेल में 6 घंटे तक पूछताछ की गई है मुख्तार अंसारी से। पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, ये भी बताइएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर छापे भी पड़ रहे हैं, और आईटी जब्त भी कर रही है जो संपत्तियां हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, बांदा जनपद की बात की जाए तो बांदा जनपद पीसी मंडल कारागार में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है, और बैरिक नंबर 7 में अगर कहा जाए तो कल जो है आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, 5 सदस्यीय टीम
कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर के साथ और यहाँ पर माफी मुख्तार से लगभग 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। और अगर बात की जाए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं तो माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध काम करके और जो माफियागिरी करके गुंडागर्दी करके जो अवैध बेनामी संपत्ति कमाई थी उसको लेकर के पूछताछ की गई, जो उससे संपत्ति बनाई। लेकिन फिलहाल अगर माफिया मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो माफिया मुख्तार अंसारी लगातार आयकर विभाग की टीम को 6 से 7 घंटे तक गोल मटोल जवाब देता रहा और उनको घुमाता रहा। हालांकि वो संपत्तियां जो है माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों की है और उनके नाम माफिया मुख्तार अंसारी ने अवैध कमाई से जो पैसा कमाया था उससे वो संपत्तियां बनाई हैं। इसके बाद से अगर कहा जाए 6 से 7 घंटे फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी बार बार जो है अपनी बातें बदलता रहा। अंकित, क्या आज भी ये पूछताछ जारी रहने वाली है बांदा जेल में या फिर हो चुकी पूछताछ? देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि साफ तौर पर अब से कुछ घंटों बाद संभवता सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 बजे फिर से टीम पहुंचेगी, फिर से माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जाएगी। अगर बात किया तो माफिया मुख्तार अंसारी की जो करीबी हैं गणेश दत्त मिश्रा उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी का जो अवैध पैसा आता था, जो काली कमाई इकट्ठा करते थे उससे जो प्रॉपर्टी बनती थी उससे माफिया मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं वो उस पैसे को गणेश दत्त मिश्रा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते थे, उसी पैसे से ये तमाम बेनामी संपत्तियां बनाते थे। अब तक माफिया मुख्तार अंसारी की 4 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और भी आगे जो है लगातार। ठीक है अंकित त्रिपाठी, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत की अब बात करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत माँ विध्वंसिनी मंदिर में पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने मंदिर में जाकर माता के दर्शन पूजन किए। तो देख सकते हैं तस्वीर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिर्जापुर के दौरे पर है, मिर्जापुर में मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। माँ विध्वंसिनी मंदिर में पहुंचे। वहीं आगरा को प्रदेश की 2 पहली बस ड्राइवर महिला बस ड्राइवर मिल गई हैं और दोनों ने ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार की पहल पर नौकरी के लिए आवेदन किया था और इसके बाद कानपुर में ट्रेनिंग इनकी हुई और अब दोनों आगरा में बस चला रही हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने की अहम जिम्मेदारी भी ये निभा रही है। बेटियों के हौसले बुलंद है। सर इसमें वैकेंसी निकली थी रोडवेज में, तो सब लड़कियों ने फॉर्म भरा था आगरा की जो लड़कियां थी, तो मैंने कहा मैं भी भर देती हूँ। मैंने भरा और इसमें ट्रेनिंग भी हुई, मैंने ट्रेनिंग भी करी इसके और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं डक ड्यूटी पे थी तो डक ड्यूटी का मैंने काम सीख लिया, मुझे आता है। तो छोटे छोटे रूट पे जाना भी शुरू हुआ है अभी? हाँ जाना शुरू हुआ, जाती भी हूँ। हाँ भैया मेरी ट्रेनिंग कानपुर में हुई मॉडल ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ हमारी 7 महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें हैवी और लाइट व्हीकल दोनों सिखाए गए। उसके बाद हमें ताज डिपो में तैनात किया गया ट्रेनिंग के लिए, जिसमें डक ड्यूटी की हमने 7 महीने। अब उसके बाद 10 महीने हमें छोटे छोटे रूटों में सहवर्ती के रूप में जाना होता है और हमें वो अपनी समझ से कहाँ गाड़ी देनी है, कहाँ सिखाना, इस तरीके से हमारा चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तीसरी बार राजधानी लखनऊ आएगी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रदर्शन होगा। 2003-2010 के बाद आज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लखनऊ आएगी। खास बात यह है कि जब भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लखनऊ आई है उसी बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। शाम को 4 बजे कान्हा स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंचेगी। बुलेटिन में यहां वक्त तो चला है ब्रेक का।